विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में किया जाता चला आ रहा है। इसी कड़ी में हर वर्ष जिला विज्ञान केंद्र बांदा द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों को विभिन्न तरह की वैज्ञानिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ लोगों को विज्ञान के जो विभिन्न तरह की जो मिठाएं बेची गई है, विज्ञान से के जागरूकता न होने का उसके बारे में जानकारी मिली। प्रत्येक वर्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक विषय का निर्धारण किया जाता है, उस विषय के माध्यम से आम जनमानस में विज्ञान के प्रति सचेतना लाने की पहल की जाती है। जैसा कि इस वर्ष का हमारा विषय है महिलाओं में विज्ञान, महिलाओं के लिए विज्ञान। आज हमारे लिए समस्त कस्तूरबा गांधी के विद्यालयों से बच्चे एवं उनकी शिक्षिकाएं यहाँ पर आए हुए हैं। हम आप सभी का भी स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। विज्ञान एक नई क्रांति आई थी, रमन ने घोष किया था सीवी रमन। आज अब उसी दिन विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है, आज भी उसी उपलक्ष्य में दिवस मनाया जा रहा है। तेरे बच्चों आज का एक जो थीम है महिला में विज्ञान। अब जब से मनाया जाता है ये उसकी थीम दी जाती है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि महिलाएं बहुत से अब वैज्ञानिक बन चुकी हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं ना हो। विज्ञान ही नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे वो सेना में हो, शिक्षा में हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं की भागीदारी ना हो। हाँ ये अवश्य है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी अभी बहुत कम है। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि सबको शिक्षित किया जाए। अगर एक लड़की शिक्षित हो गई तो एक पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है, क्योंकि वो माँ होगी अपने बच्चों को शिक्षित कर देगी। अगर पिता अगर शिक्षित हो गया है कोई जरूरी नहीं कि उसके सब बच्चे शिक्षित हो जाए, अगर माँ शिक्षित है तो उसके बच्चे भी शिक्षित हो जाते हैं। तो विज्ञान कोई जरूरी नहीं है कि आप साइंटिस्ट बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए। आप वैज्ञानिक सोच रखिए। वैज्ञानिक सोच क्या है? जब हम कहते हैं कि दो तरह की भावनाएं होती है, जिसको तर्क से कसा जाए सही निकले वो वैज्ञानिक सोच, जिसको तर्क पे कसौटी पे न कसे वो वैज्ञानिक सोच नहीं, हो क्या है परिकल्पना है। तो उसको आप घर में देखे होंगे अपनी दादी को मम्मी को जो पढ़े रही है, कुरीतियां हैं। जब आप पढ़ लेंगे वैज्ञानिक सोच आ जाएगी, कुरीतियों से दूर हो जाएगी और समाज एक आगे बढ़ जाएगा। किसी समाज की उत्कृष्टता उसका पैरामीटर जो होता है वो किससे नापा जाता है? महिलाओं की शिक्षा से। जिस समाज में महिलाओं की शिक्षा अधिक होती है उस समाज उच्च माना जाता है, जिस समाज में शिक्षा की महिलाओं की शिक्षा कम होती है वो समाज निम्न माना जाता है। इसलिए आप देखिए आदिवासियों को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि आदिवासियों में महिलाओं की शिक्षा लगभग नगण्य है। महिलाओं में वैज्ञानिक सोच आ जाएगी एक दिन पूरा भारत सब हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, विकास कर जाएगा। तो आज मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए साइंस से जुड़ी हुई बहुत सारी महिलाओं के बारे में। अभी मैं कहीं देख रहा था, पढ़ भी रहा था कि अभी भी जो हमारा ये कहना चाहिए कि जो वैज्ञानिक संस्थान है उन देश के वैज्ञानिक संस्थानों की बात करें तो जो दुनिया में जो एवरेज हिस्सेदारी है उसकी आधी भी नहीं है। जरूरत है महिलाओं की भागीदारी साइंस के क्षेत्र में बढ़ाने की, बच्चियों की भागीदारी बढ़ाने की, और बढ़ भी रही है। आइए कुछ ऐसे लोगों को ही आज याद किया जाए जिनकी वजह से महिलाओं का भी कहीं ना कहीं साइंस में योगदान हो रहा है और जो कि निरंतर बढ़ रहा है। ऐसी ही है डॉक्टर रितु करिधल, नाम मेरे ख्याल से बच्चों ने सुना भी होगा, कहीं ना कहीं देखा भी होगा, जो कि सीनियर साइंटिस्ट है इसरो में। और ये कदर जो है, डॉक्टर कदर जो है, ये चंद्रयान 2 जो है उसकी एमडी भी रही है, मिशन डायरेक्टर भी रही है उसकी, और जो हमारा मार्स मिशन ऑर्बिटर मिशन था उसकी डिप्टी डायरेक्टर भी ये रही है। इसके अलावा जब इन्होंने मंगल मिशन को डिजाइन किया तो उसमें भी इनकी बहुत ज्यादा सराहना हुई और ये 2007 में इसरो की यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी जीत चुकी। इसी कड़ी में
और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। डॉक्टर करगिल की अगर बात करें तो उन्होंने 22 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं इसरो में। नंदिनी हरिनाथ की बात करें जो कि रॉकेट साइंटिस्ट हैं इसरो में, और इन्होंने लगभग 14 मिशन में इसरो के काम किए। डॉक्टर गगनदीप कांग है, इन्होंने जो है ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और अमेरिकन एकेडमी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की ये फेलो भी बनी। ये जो हमारी पहली साइंटिस्ट थी डॉक्टर काम जो है, इन्होंने ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की ये मिशन डायरेक्टर भी रही है, और देश में डायरिया को रोकने के लिए जो इन्होंने वैक्सीन तैयार की उसकी वजह से बहुत ज्यादा जानकारी है। वो वैक्सीन बहुत ही पॉपुलर वैक्सीन भी रही है इनकी। डीआरडीओ की एक बहुत फेमस साइंटिस्ट रही है डॉक्टर टेसी थॉमस। 1988 में इन्होंने जो है जब रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला हैदराबाद में एस्टैब्लिश हो रही थी तो इनका बहुत बड़ा योगदान उस समय वहां पे रहा था। मैं आज इन सबको याद इसलिए कर रहा हूँ कि आज की थीम भी यही है, और कहीं ना कहीं हम लोग इस तरह से खो जाते हैं कि हम इन सबको भूल जाते हैं, इनके योगदान को भूल जाते हैं। इनका योगदान बहुत ज्यादा होता है। आज जो हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियां आई, इन सबको भी यहाँ बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये भी जाने समझे और आने वाले समय में ये भी विज्ञान की एक्टिविटीज में बहुत आगे आए, और निश्चित रूप से आएंगे भी। अगर शनि जैसे लोग हमारे जनपद में रहेंगे तो निश्चित रूप से इस जनपद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हमेशा आगे बढ़ता है। अपना नाम है नेशनल साइंस डे। अभी शनि जी ने बताया कि सर सीवी रमन जी की याद में नेशनल साइंस डे हर साल मनाया जाता है। मतलब क्यों मनाया जाता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा साइंस के प्रति बच्चे जागरूक हों, अंधविश्वास उनके अंदर ना हो। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो घटनाएं होती हैं उनके पीछे उन्हें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। उस रीजन को बच्चे समझें, मतलब उसको अंधविश्वास में ना लें। किसी को सांप काट लेता है तो तंत्रिकाओं के पास जाते हैं, बाबाओं से ओझा से जो है घाट फूक कराते हैं। अच्छा होता क्या है, देर हो गया समय से मेडिकल चिकित्सा नहीं मिली तो व्यर्थ हो जाए। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके अंदर साइंटिफिक रीजन होता है। इसीलिए बच्चों को जागरूक करने के लिए न केवल बच्चों को, विद्यालय के जो टीचर हैं उनको उनके अंदर विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष साइंस डे मनाया जाता है। आशा है कि आज जितने बच्चे आए हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता ने बताई है उन्हें पार्टिसिपेट करेंगे। आप यहाँ पर निर्भर रहेंगे, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे, इसके बाद जब घर जाएंगे तो अपने अभिभावकों को इसके साथ साथ आप यहाँ पर रहते हैं अपने आस पास के लोगों को साइंस के प्रति जागरूक करेंगे। धन्यवाद। होता क्या है, कोई भी प्रकाश अगर तुम किसी चीज के बीच से गुजारो, मान लो कोई एक नीले रंग का पन्नी ले लो और उससे प्रकाश गुजारो, तो उसके बाद जो प्रकाश निकलेगा वो नीले रंग का निकलेगा। क्यों? लाल रंग की पन्नी से गुजारो लाल रंग, जैसा चश्मा तुम लोग लगाओ वैसे वो दिखेगा, प्रकाश दिखेगा कि नहीं? सफेद प्रकाश को लाल रंग के चश्मे से देखो तो लाल कैसा दिखेगा, नीला देखो तो कैसा दिखेगा, और काले चश्मे से लाल प्रकाश देखने लगे तो कैसा दिखेगा, काला। क्यों लाल क्यों दिखेगा, कांच काला। तो कांच काला है क्या, तो प्रकाश पे रंग निर्भर करता है कि कांच पे। देखो काले रंग से अगर मैं प्रकाश को देखूं सफेद तो कैसा दिखेगा, लाल देखूं तो कैसा दिखेगा, बैगनी रंग के चश्मे से देखूं अगर लाल प्रकाश तो कैसा दिखेगा, बैगनी दिखेगा, सोच लो। पीले रंग के चश्मे से हरा प्रकाश देखूं कैसा दिखेगा, नीला। देखो कुछ लोग बता, अभी तुम लोग चकरा जाओ, अगर ये सोचते रहो किस रंग से कौन सा रंग का देखे तो क्या दिखेगा ये मालूम पहले से नहीं बता सकते। प्रकाश जब उसके बीच से गुजरता है तो जैसे कैरम बोर्ड की गोटी छितरा जाती है, वो उसी तरीके से पूरा छितरा जाता है। उसके सातों रंग में से कुछ रंग ही बाहर आ पाते हैं और कुछ उसी में रुक जाते हैं, जो होती है पंगी। समझ गए कि नहीं? जब
आकाश से प्रकाश गिरता है पानी से, तो केवल और केवल नीला रंग ही आपकी आंख तक आ पाता है, बाकी जो सात रंगों में अन्य रंग है वो समुद्र ही अवशोषित कर लेता है। समझे? नहीं समझ? प्रकीर्णन इसने कहा बिटिया ने, जब कोई प्रकाश गिरेगा तो जैसे वो फैल जाएगा, उसकी अलग अलग चीजें, जैसे आप कंप्यूटर उस पर स्ट्राइक करते हैं और उसके बाद जब आपकी आंख पे आएगा तो उसका रंग कुछ और होगा। यही रमन ने बताया था, इसी नाते आपका समुद्र नीले रंग का दिखाई देता। और आपको बेटा ये भारत के पहले वैज्ञानिक नहीं थे, ये एशिया के पहले वैज्ञानिक। तेरी
कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इससे समाज को क्या फायदा होने वाला है। यदि ये तीन सवाल आप हमेशा अपने आप से पूछते हैं तो यही आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। बात चल रही है विज्ञान और महिला की, यानी महिला में विज्ञान और विज्ञान में महिला, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर घर से शुरुआत करें तो घर में जो प्रथम महिला होती है जिसे गृहिणी कहते हैं आप, जो मदर है आपकी, वो पहली वैज्ञानिक है। तो पहला मूल मंत्र यही है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही जीवन की पूंजी है। यदि आप स्वस्थ होंगे तो सभी काम अंदर होकर कर लेंगे। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो मैंने बताया आपको कि आपको सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इससे समाज का क्या फायदा होगा। दूसरी बात, आप सभी छात्र हैं, छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप अपना कंपटीशन बगल वाले छात्र से मत करिएगा। हर स्टूडेंट में एक खासियत होती है, एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो आपके बगल वाले में नहीं है। सपोज करिए कि यहाँ पर एक कोई ड्रेस लाकर रख दी जाए किसी कलर की और आप में से किसी एक को दी जाए, तो जरूरी नहीं है कि उसका कलर सबको पसंद आ जाए, वो पोशाक सबको फिट हो जाए। तो जब एक पोशाक सबको फिट नहीं हो सकती, एक कलर सबको पसंद नहीं आ सकता, तो सभी बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। हमारे एमएससी की क्लासेस चलती हैं, मेरे क्लास में 32 बच्चे हैं, सुन लीजिए ध्यान से, उसमें 2 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। ये आपके लिए खुशी की बात, आपको ताली बजानी चाहिए एमएससी में। आपको पता होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी में एक है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स, सुना किसी ना? स्टीफन हेल्स नाम से पता नहीं आपको क्या लग रहा है, लेकिन वो एक महिला है। क्या है? महिला। जेनेटिक्स में क्रांति आ गई थी, एक जीन की खोज हुई थी, जंपिंग जीन, उसकी खोज की थी मैक क्लिंटन बार-बारा ने, वो भी एक महिला है। आपने पढ़ी होगी रेडियोएक्टिविटी, उस पर काम किया आपको जानकर आश्चर्य होगा मैडम क्यूरी ने, वो भी महिला है। उसके बाद काम किया उनकी बेटी पेरी क्यूरी ने, वो भी महिला है। अंतरिक्ष में जाने वाली सुनीता विलियम्स भारतीय थी, वो भी महिला है। कल्पना चावला करनाल की, वो भी अंतरिक्ष में गई थी, वो भी महिला है। तो आप में इतनी एनर्जी है कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते। जरूरत है अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करने की। सभी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है स्वास्थ्य का और उसकी प्रक्रिया। हम जब अपने हमारे सबसे प्रथम गुरु हमारी वाणी होती है, वही पहली वैज्ञानिक होती है जो सभी बच्चों को सिखाती है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रातःकाल उठ करके प्रातःकाल की दिनचर्या से लेकर के रात्रिकालीन दिनचर्या सब बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिदिन हमें अपने साफ सफाई को ध्यान रखना है, प्रतिदिन हमें अपने नाखूनों को देखना है, अपने शरीर की स्वच्छता के बारे में ध्यान देना है, क्योंकि कहा गया है कि पथ्य सति गदातस की मौसम सेवड़े पथ्य असति गदातस की मौसम सेवड़े। मतलब इसका यह होता है कि दिनचर्या और ऋतु के अनुसार अगर हम दिनचर्या करते हैं, उसमें हमें क्या सेवन करना है क्या नहीं करना है, अगर ऐसी चीजों को हम अपने आहार विहार में लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। और अगर ऋतु के अनुसार हम अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं तो उसमें हमें विभिन्न प्रकार की मौसमी बीमारियां, शारीरिक अस्वस्थता कर सकते हैं, तो उसमें हमें विभिन्न प्रकार की फंगल डिसीजेस और भी बीमारियां हो सकती हैं। साथियों, विज्ञान
हमारे जीवन का आज की आवश्यकता के अनुरूप बहुत ही आवश्यक है कि हम हर पहलू को अपने दैनिक जीवन में विशेष ज्ञान के आधार पर, विशेष तकनीक के आधार पर, विशेष सोच के आधार पर उसको क्रियान्वित करें। यही हमारा विज्ञान है। विज्ञान हमारी प्राचीन परंपराओं को, हमारी रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करके एक नई विचारधारा जो वास्तविकता के बिल्कुल नजदीक होती है उसको ग्रहण करने का एक अनुभव है, एक तरीका है। कि जब हमारा बचपन होता है हम सब वही क्रियाएं करते हैं जो एक जैसी होती हैं, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं तो हम सब लोगों का बिहेव बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। तो कौन सी ऐसी चीज है हमारे बिहेव में या हमारी इस पूरी ग्रोइंग प्रोसेस में जो हम लोगों को डिफरेंसेस क्रिएट करती है हम लोगों के बीच में? कभी सोचा? यही सोचा मैं बताती हूँ, लर्निंग एक में सीखना हमारे जीवन में या हमारी ग्रोथ में एक बहुत बड़ी विविधता का कारण है। इट इज अ वेरी बोरिंग प्रोसेस, है ना? सीखना एक बहुत ही उबाऊ प्रक्रिया है ना? हम एक मूवी को लगातार 3 घंटे नॉन स्टॉप बिना किसी चीज को रोके अपना भूख भी रोक लेते हैं, अपना टॉयलेट भी रोक लेते हैं, अपना सब कुछ रोक करके बिल्कुल साइलेंट तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि वो एक मनोरंजन का साधन है। और सीखना हमारी जो एक पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है, हमारे आगे आने वाले जीवन को निर्धारित करती है। उसके लिए हम कहते हैं कोई एक राइटिंग की किताब उठाते हैं और 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद बड़ी चुनौती आती है, लोग मेरी चुनौती लेते हैं और हम क्या करते हैं, सोने लगते हैं। तो मैं बच्चों आपसे केवल यही बात कहना चाहती हूँ कि जीवन में कठिनाइयों को चाय की मलाई की तरह निकाल के फेंक दें, दूध की मलाई की तरह निकाल के हटा दें और उसे इंटेक करें, क्योंकि समस्या के बगैर सफलता नामुमकिन है। ठीक है, किसी भी समस्या से डरना नहीं है। लड़कियों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हर दिन चैलेंजिंग होता है। ठीक है, हर मोड पे ना रहे हम किसी मोड पे चल रहे होते हैं वो भी हमारे लिए घर से निकलना चैलेंजिंग होता है। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में सीखना एक बहुत बड़ा स्वभाव बनाए। जिस तरह से हम सांस लेना स्वभाव बनाते हैं, भोजन करना स्वभाव बनाते हैं, उस दिन रोज आप एक प्रण लें कि आज मुझे कोई एक नई चीज सीखनी है। साइंटिस्ट के नाम के ना कॉमर्स अल्फा एडिशन क्या बनाया, कांच से लाइट बनाया, बल्ब बना रहा था वो। ठीक है, उसको स्कूल से निकाल दिया गया था बचपन में, उसकी माँ ने क्या कहा, तुम्हारे लाइफ को स्कूल ही नहीं था। जिस स्कूल से तुम्हें निकाल दिया गया, इतना पुअर अच्छा था वो, मतलब माइंड मेंटली इतना पुअर था कि टीचर्स कहते थे हम इसको नहीं पढ़ा सकते। ठीक, तो क्या किया, उसकी माँ ने कहा तुम घर में पढ़ो। ठीक, तुम्हारे लिए वो स्कूल ही नहीं बना, वो स्कूल अच्छे ही है, तुम्हारे मेंटल लेवल का स्कूल नहीं है। और उसने घर में रहकर पढ़ाई की और क्या हमने हजारों की संख्या में पेटेंट अपने नाम किए, है ना? इतनी ज्यादा हो जाए कि इतने ज्यादा पेटेंट उसने अपने नाम किए। और क्यों, कैसे आया, लर्निंग से आया, सीखने से आया। तो सीखने के लिए कोई भी गुरु है वो आपको गाइड कर सकता है, पर एफर्ट जो डालना है वो केवल हम और हम अकेले ही डाल। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाह रही हूँ जो साइंटिस्ट नहीं था, इनोवेटर था, पर उसने महिलाओं के लिए काम किया। तो मूवी देखते हैं आप लोग? ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग जवाब देना। अरुचरणम मुरुगनम उसका नाम है व्यक्ति का, तमिल का रहने वाला व्यक्ति है और उसने कुछ ऐसा इनोवेशन का काम किया जो महिलाओं के लिए किया, महिलाओं की स्वच्छता के लिए किया। किसी को पता है इसके बारे में? बिल्कुल, इसके लिए जोरदार तालियां। जो अभी हाल ही में एक मूवी आई थी पैडमैन, सबको पता है वो अक्षय कुमार ने उसके रोल किया था पैडमैन में। इस व्यक्ति को बहुत अच्छे नाम से जो जाना जाता है वो पैडमैन के नाम से जाना जाता है और इन्होंने बिल्कुल सही बताया। तो उसके बारे में जब आज साइंटिस्ट की बात हो रही, बहुत सारे इनोवेटर की बात हो रही थी, जो हमारे चीफ गेस्ट है सीडीओ साहब, उन्होंने भी स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता की बात की थी। तो यहाँ पे जो MHM पीरियड्स पैडमैन जिसमें सैनिटरी नैपकिन हम लोग यूज करते हैं,
बात हो रही है। आपको पता है ये तमिलनाडु का व्यक्ति है और इन्होंने 23 स्टेट्स में अभी तक अपनी बनाई हुई अपना इनोवेशन किया हुआ मशीन रखी, जिसकी कॉस्ट जो हमारे मार्केट में आती है उससे कम है, 1/3 है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो हम जो महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं, हम महिलाएं, हम लड़कियां, हम लोग भी उसके लिए काम कर सकती हैं। मैं जो है बहुत ही छोटे से गांव से हूँ और एक एरिया क्षेत्र से हूँ और मेरी शिक्षा भी ज़्यादा नहीं है, शिक्षा भी बहुत कम है। जो मैंने ये लिया अपनी मशीन बनाई या खोज किया ले आया तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा सफर था। माता पिता हैं, किसान हैं, वो उसमें जो है दिक्कत होती है उन लोगों को छानने में या काम करने में, जैसे अनाज को मार्केट में ले जाने में, तो वो लोग जब उसको छानते थे या फिर जो है साफ करते थे तो उसमें उनको 3 लोग की जरूरत होती थी। और अगर उसे 100 किलो अगर साफ करना है तो 100 किलो में 1 घंटे या से कम नहीं लगता था। एक बार उसको बड़ा बड़ा निकाल लेंगे, एक बार छोटा निकाल लेंगे, तो ये दिक्कत थी। और उसको अगर छान के नहीं ले जाते हैं बेचने के लिए तो वो जो खरीदने वाले होते हैं उसका काट लेते हैं, कहते हैं हम इसको छानेंगे तो इसमें अभी ये निकलेगा, उसका जो पैसा काट लेते थे। तो मुझे जब हम गांव में खेलते थे छोटे थे तो बॉटल से जो है या उसमें छेद करके या फिर कैसे उसको उड़ा धूल है वगैरह खेलते रहते थे, तो उसमें धूल और कंकर अलग हो जाती थी। तो हमने देखा कि अगर ये हो जाता है तो हमारे दिमाग में आई कि हम इसको अगर रोल बना करके गोला आकार बना करके हम अगर कुछ इस पर करें तो हो सकता है। हमने एक छोटा सा बनाया, बनाने के बाद हम जो है उसको चलाया। हर कोई नया कुछ ना कुछ प्रयत्न करता है या कुछ ना कुछ जो करने की जरूर अगर वो रखी जाए तो हो सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से यहाँ मिलके पहला तो, और आप सभी लोग इतने कम एज के होके इतने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, ये देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपनी क्रिएटिविटी ऐसे ही बनाए रखना हमेशा, और जो आप लोगों में लीडरशिप की क्वालिटी मुझे दिखाई दी कि कोई भी प्रोग्राम रहा आप लोग आए, इनिशिएट किया, पार्टिसिपेट किया, ये गर्ल्स के लिए वाकई काबिल तारीफ है। और आप सब तो फिर चैंप्स हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स में।